हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे और आज जो है इसका 8th वीडियो होगा और इसकी कम से कम दोस्तों 2 वीडियो और आएगी। आज जो है दोस्तों हम एकदम टॉप मोस्ट लेवल के सवाल करेंगे, जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनता है दोस्तों परसेंटेज से, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों हमने आपको करा दिए हैं पहले ही, और आज जो क्वेश्चन कराएंगे हम इससे टॉप मोस्ट लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन वन डे एग्जाम में आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पहले जो इतनी वीडियो अपलोड की गई है सारी की सारी अच्छी लगी हुई होगी। तो इसमें जो है टोटल हम 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जो है सारे के सारे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं, कोई भी एक भी बाहर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आए जो फालतू में हो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देंगे एकदम बेहतरीन लेवल का, क्वेश्चन है सबसे पहले वर्ष 2003 में एक गांव की कुल जनसंख्या 4800 है, जिसका 40% महिला जनसंख्या है। वर्ष 2004 की जनसंख्या में गत वर्ष की तुलना में 10% की जो है वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। यदि वर्ष 2004 में महिलाओं की संख्या गत वर्ष के समान हो तो वर्ष 2004 में वर्ष 2003 की तुलना में पुरुषों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है। दोस्तों IBPS क्लर्क में वो क्वेश्चन है, और IBPS जो होता है बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन पूछता है। खैर टफ तो होते नहीं है, जो क्वेश्चन हमारे पे आ जाते हैं वे इजी होते हैं, और जो नहीं आते भी क्या लगते हैं हमें टफ लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है आपके लिए सिंपल बनाते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाइए क्या क्या कहा है उसने। इसने कहा है कि वर्ष 2003 में एक गांव की जो कुल जनसंख्या थी 2003 में, किसमें 2003 में, जो जनसंख्या थी एक गांव की वो थी 4800, ठीक, जिसका 40% महिला जनसंख्या थी, यानी कि अगर 40% भाई फीमेल थी तो जो बाकी के बचे 60% थे वे क्या थे, मेल होंगे कि नहीं होंगे ये बताइए। तो इसने कहा है वर्ष 2004 की जनसंख्या में, वर्ष 2004 की बात हो गई, ये तो 2003 की थी, अब बात आ गई है वर्ष 2004 की, ये लीजिए 2004 की। इसने कहा है इस वर्ष के तुलना में 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि किस चीज में हुई है, जनसंख्या में, यानी कि 2003 में 4800 थी जनसंख्या तथा 2004 में 4800 से बढ़कर 10% का जो है इंक्रीमेंट हो गया है। 4800 का अगर देखिए दोस्तों, इसको दो मेथड होते हैं इंक्रीमेंट करने के, या तो आप डायरेक्ट 4800 का 10% निकाल दीजिएगा है, और फिर उसको 4800 में ऐड कर दीजिएगा, या फिर 4800 का डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा 100 में करके 110 कर दीजिएगा, 100 पे डायरेक्ट वृद्धि कर दीजिएगा, तो इसमें आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 100 पे बढ़ के आ जाती है। दोनों से सीख लीजिएगा आप, जो इसका हो जाएगा 480 रुपए, ठीक है, और इसको 4800 में जोड़ दीजिएगा 0, यानी कि जो 10% यानी कि 480 आदमी इसमें बढ़ गए हैं, ठीक है। तो 4800 में 480 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 और 12 का 2 का हासिल 1, यानी कि 5280 हो गई इसकी जो है कुल जनसंख्या वर्ष 2004 में, ठीक है। और अगर डायरेक्ट 4800 का 110% भी निकाल लेंगे आप तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 11888 का 8 का हासिल लगे 8, 44 और 8 कितने होते हैं 52 होते हैं। तो बात एक ही है, या तो डायरेक्ट 110 कर दीजिएगा 100 पे डायरेक्ट बढ़ा दीजिएगा, या फिर 10% निकाल के उसको 4800 में जोड़ दीजिएगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है कर लीजिए। ठीक है, तो 2003 की तुलना में 2004 में 10% की वृद्धि हो गई है, और इसने कहा है कि जो महिलाएं है ना फीमेल वो जो है इक्वल है, ठीक है, तो
तो इसने पूछा है, तो वर्ष 2004 में वर्ष 2000 की तुलना में पुरुषों की संख्या बतानी है। यानी कि इसने भाई एक चीज बताई है कि जो महिलाएं हैं ना वे फीमेल यानी कि इक्वल हैं, तो मेल की जनसंख्या बताओ। तो 2004 में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि ये पूछा है इसने, 2004 में जो मेल थे ना वे 2003 के मुकाबले कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले 4800 का 40% है फीमेल, जो फीमेल की संख्या दी है ना इसने 2003 में और 2004 में, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि जो महिलाएं हैं वही सेम है। देखिएगा 4800 का 40% कितना होता है, 4800 का 40% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 चौक 32 का 2 का हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि जो 1920 हैं वे क्या है, महिलाएं हैं। यानी कि जो हमारी महिलाएं आ गई वे कितनी आ गई, 1920 आ गई। तो भाई अब पुरुष कितने आ जाएंगे, अगर 4800 में से अगर मैं 1920 घटा दूंगा तो पुरुष नहीं आ जाएंगे, 10 जीरो की जीरो, 10 में से 2 गए 8 और 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 17 में से 9 गए बचेंगे 8 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो यानी कि 2880 क्या आ गए, पुरुष आ गए। 1920 तो होगी महिलाएं और 2880 आ गए पुरुष। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। अब महिलाएं तो भाई इसने दोनों जगह सेम बताए हैं, 2003 में भी और 2004 में भी, यानी कि जो महिलाएं की संख्या है वे 1920 ही है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर भाई 5280 में से इतनी महिलाएं हैं तो आपको ये पता नहीं चल जाएगा आदमी कितने होंगे। भाई 5280 में से अगर मैं इसको घटा दूंगा, 0 की 0, 8 में से 2 गए 6, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3360 क्या आ गए, पुरुष आ गए। ठीक है, अब भाई इसने कहा है ये जो पुरुष बढ़कर आए हैं ना 2003 के मुकाबले कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। भाई देखना एक बार कितनी वृद्धि हुई है, 10 जीरो की जीरो, 6 में से यानी कि 16 में से 8 गए 8, यहां पर 12 में से 8 गए 4, यानी कि भाई 480 क्या हुए, आदमी बढ़ गए। ठीक है, तो ये पूछी है परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 480 बढ़े हैं भाई, किस पर बढ़े हैं, ये 2880 पर बढ़े हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। और परसेंटेज में बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, 0 से गया 0, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 सत 28, 4 दुनिया 8, 12 छिक 72, यानी कि 50/3, 2 से काट दीजिए 50 और ये काट दीजिए 3, 50/3 यानी कि 16 सही 2/3। अब 50/3 करके दिखाओ आपको ये 16 सही 2/3 कैसे आया। भाई 50 से जब इसको डिवाइड करते हैं ना हम 3 से, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2 0, 3 छक 18, 10 में से 8 गए 2। तो ये जो 16 होता है इसको लिखते हैं हम यहां पर, और ये जो 2 होता है इसको लिखते हैं यहाँ पर, और ये 3 का ऐसा का ऐसा, यानी कि 16 3 48 और 2 16 की इसमें गुना कर दी और इसे जोड़ दीजिए तो 50/3 ही आ जाता है। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। दोस्तों क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है जिससे कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, और सवाल लंबा देखकर आप क्या करते हैं सवाल को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एकदम बेसिक से चलेंगे, देखो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आपको अभी तक एक भी फॉर्मूला नहीं बताया हमने, है ना। और ये जो है आज के बाद में जितने भी क्वेश्चन होंगे एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन होंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल नहीं पूछेगा, और फालतू क्वेश्चन आपको करने की जो है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन काफी होते हैं। अब खुद से आप किसी भी
का क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा है मैरी अपनी मासिक वेतन का 15% जो है ईएमआई पर खर्च करती है और जो शेष बचे हुए वेतन का जो 10% है वह इंटरनेट बिल पर खर्च कर देती है, 20% जो है किराए पर खर्च करती है और यदि उपरोक्त खर्चे के बाद में उसके पास 24,990 रुपए शेष बचते हैं तो मैरी का जो है वार्षिक वेतन बताना है, यानी कि उसकी जो है एनुअल सैलरी क्या है, यानी कि एनुअल पैकेज क्या है उसका, वो बताना है। मासिक जो है मंथली दिया हुआ है उसने। इसने कहा है भाई मैरी जो है अपने वेतन का यानी कि अपनी सैलरी का यानी कि 100% उसकी सैलरी है उसका जो है 15% करती है ये ईएमआई पर खर्च, ठीक है, ये करती है 15% ईएमआई पर खर्च करती है। शेष बचे हुए वेतन का 10%, भाई शेष इसके पास कितना वेतन बचा, 15% इसने ईएमआई पर खर्च कर दिया तो बाकी जो बचा है 85% बचा उसके पास में शेष, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, शेष बच गया ये। इसने कहा है शेष बचे हुए वेतन का यानी कि 10% जो है इंटरनेट बिल पर, इसका 10% क्या करती है वो इंटरनेट के बिल पर खर्च कर देती है, ठीक, 20% जो है किराए पर खर्च कर देती है, यानी कि 20% क्या कर देती है रेंट पर खर्च कर देती है। यदि उपरोक्त खर्चे के बाद उसके पास 24,000 यानी कि ये सारा का सारा खर्चा करने के बाद उसके पास ये जो उसके पास बचा भाई कितना होता है, भाई देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बस एक ही चीज तो बताई थी कि हर कोई चीज क्या होती है 100% होती है, भाई 100 में से जब 15% ये गया, ठीक है, तो ये 15 खुद अपने आप में 100% है नहीं, बाकी बचे ये 85%, ये खुद अपने आप में 100% है। 100 में से क्या हुआ 10% इंटरनेट बिल पर खर्च किया, 20% किराए पर खर्च कर दिया और अब कितना बचा 70% बचा कि नहीं बताओ, इतनी बात की जा रहा नहीं, तो जो 70% बचा है से उसने वही तो कहा है, कहता है कि अब उसके पास यानी कि खर्चे के बाद में कितना शेष बचा है 24,990, 24,990 जो है उसके पास शेष बचा है 24,990, ठीक है। तो उसने पूछा है मासिक वेतन क्या है, भाई 24,990 उसके पास शेष बचा, ये वैल्यू है परसेंटेज में और वो है पैसों में वैल्यू, तो भाई 85 का 70% निकाल लेंगे कितना हो जाएगा देखिए, ठीक है, 5 से काट दीजिए इसको, 5 एकम 5 5 7 35 5 2 9 10 और 0, ठीक, 1 0 से 1 0 गई, 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 119/2, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो 2 5 10 ठीक और 1 9 2 9 18 यानी कि 59.5 की वैल्यू क्या आ गई, ये 70% होता है 59.5, इसकी वैल्यू दी है 24,990, भाई इतनी बात बताओ क्लियर है या नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है बस सेम टू सेम है। देखो क्या कहा था उसने क्वेश्चन में, उसने कहा था कि भाई उसके पास 100 रुपए जो है उसका मासिक वेतन है, उसका 15% जो है ईएमआई पर खर्च करती है, बाकी बचे धन से वह 10% इंटरनेट बिल पर और 20% रेंट पर खर्च करती है, तो बाकी बचा जो उसके पास धन है वो है 24,990 रुपए। अब भाई हमें नहीं पता 70% है वो 70% 85 की तो 70% है, 85 का जो 70% होता है 59.5 होता है जो वैल्यू आई है 24,990, ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 24,990 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बटे 59.5, ठीक है। और भाई उसने पूछी है मासिक वेतन, मासिक वेतन था उसका 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपके पास में, कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे हर कैलकुलेशन करने के लिए बैठूंगा तो दोस्तों वीडियो बेवजह लंबी बनेगी,
उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप भी जो है थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। SBI क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुलसीराम का जो है वेतन, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम जो है 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन पूछा है उसने कितना होगा, बताओ कैसे करोगे। भाई एक आदमी है तुलसीराम और एक जो है क्या है अपना कश्यप भैया है, ये है, इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा, बस कैलकुलेटर है आखिरी ही कर लीजिएगा, बड़ा ही इजी है। एक है हमारे तुलसी भैया, एक है हमारे कश्यप भैया, एक है तुलसी भैया और एक है हमारे कश्यप भैया, ठीक है। इसने कहा है कि जो तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। भाई इसने कहा है तो तुलसीराम भैया है ना हमारे, ये 20 रुपए फालतू कमाते हैं। मान लीजिए भाई कश्यप भैया 100 कमाते हैं तो तुलसी भैया अपने क्या कमाते हैं, 120 कमाते हैं। तो इसने कहा जो तुलसीराम है ना ये अपने भैया 720 रुपए बचा भी लेते हैं, ठीक, जो उसके वेतन का 4% है। भाई इसका वेतन कितना है 120, तो इसने कहा है जो ये बचत आई है ना इसकी वो 4% है उसके वेतन का। अब भाई ये नहीं कर सकते आप, 12 चौक 48 और बटे 10 तो 0 हटा के 4.8 आ गया, ठीक। तो 120 का जो 4.8% ये आता है 4.8 यानी कि 4% क्या है ये इसका, ये 720 है 4.8% इसका, ठीक है। अब इसने कहा है तो कश्यप का वेतन बताइए कितना होगा। भाई देखो ये जो 4.8 रुपए आया है ये किसके इक्वल है, ये बचत आई है यानी कि जो 4% है ना इसका, जो 120 का जो 4% है वो आया है 4.8 और ये जो है बचत है यानी कि 720 रुपए के इक्वल है ये, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में कहा है। भाई क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, तो उसने कहा है कि कश्यप का वेतन बताओ, भाई 4.8 की वैल्यू 720 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 720 बटे 4.8 और कश्यप का वेतन है 100, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कश्यप का वेतन नहीं आ जाएगा, बताओ इतनी बात की कह रहे नहीं, ये 0 को भी यहां पे लगा लीजिएगा, 12 6 72 12 चौक 48 25 6 150 यानी कि कितना आ गया 15,000, बताओ इतना वेतन आ गया है कश्यप का, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। अगर क्लियर है तो दोस्तों चले फिर आगे। एक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मिस दुर्दुग भारती प्रत्येक माह अपनी मासिक आय का 24% किराए में तथा 30% जो है घरेलू सामान खरीदने में खर्च करती है, बचे हुए धन में से वह सावधि जमा तथा लॉटरी में क्रमशः 9:7 के अनुपात से निवेश करती है, यदि वह एक वर्ष में 1,24,200 सावधि जमा में निवेश करते हैं तो एक वर्ष में वह कितना किराया देती है, बताओ कैसे करोगे। चलो देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आज दोस्तों एक नंबर के करवाएंगे आपको, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा वो। मिस दुख बांधते हैं कोई, इसने कहा है जो प्रत्येक माह जो है अपनी मासिक आय का 24% किराए पर खर्च करती है, जो दुख भागती है अपनी मासिक आय का कितना, मासिक दोस्तों एनुअल मासिक आय होती है मंथली, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसने जो है
किराया पूछा है एक वर्ष का, तो ध्यान दीजिएगा जो उसकी जो सैलरी अब हम निकाल लेंगे वो मंथली निकाल लेंगे, ठीक है। दो भारतीय जो है प्रत्येक माह अपनी मासिक आय का 24% जो है किराए पर खर्च करती है, यानी कि जो 24% है वो रेंट पर खर्च करती है, तथा 30% जो है घरेलू सामान खरीदने में, 30% जो है घरेलू सामान खरीदने में, ठीक। बचे हुए धन में से वह सावधि जमा में, बचा हुआ धन कितना बचा उसके पास भाई? भाई देखो 24 और 30 कितने होते हैं 54, तो बचा कितना 46% बचा कि नहीं भाई? 100 में से घटा दीजिएगा 54 को, कितना आ जाएगा 46% ही तो बचेगा। तो इसने कहा है बाकी बचे हुए धन में से वह सावधि जमा और लूट ली, यानी कि जो इसके पास ये बचा है 46%, तो सावधि जमा और लॉटरी में जो है 9:7 के अनुपात में निवेश करती है, यानी कि इसमें जो है 9:7 के अनुपात में वो अपना पैसा लगाती है। तो उसने कहा यदि वह एक वर्ष में 1,24,000 रुपये जो है सावधि जमा में देती है, यानी कि ये जो सावधि जमा है इसकी वैल्यू दी है इसने 1,24,200, हाँ ठीक है, 1,24,200 9 की वैल्यू दी है उसने। तो इसने कहा है कि एक वर्ष में कितना रेंट देती है, ये वाला पूछा है उसने। भाई देखो करते हैं इसको, 1,24,200 जो इसकी वैल्यू दी है इसने 9 की, 1,24,200, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा है। एक की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी बताइए? 1,24,200, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और बटे 9 से काट दीजिएगा इसको, 9 एकम 9, 3 और 4 कितना होता है, 3 बचा, 3 और 4 9 27, 27 और 9 8 72, यानी कि 13,800 रुपये आ गया एक की वैल्यू, 13,800 रुपये। अगर दोस्तों मैं ये पूरे 9 और 7 ये टोटल की वैल्यू निकाल लूं, 9 और 7 यानी कि टोटल सावधि जमा और जो लॉटरी में उसका पैसा निकला है वो निकाल लूं, तो दोस्तों वो टोटल 46% है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताओ। तो अब मैं जो है टोटल की वैल्यू निकाल लेता हूँ 9 और 7 16 की, तो 16 की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों इसमें 16 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अब 16 को देखो ऐसे लिख लीजिएगा, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना तो 10+6 कर दीजिएगा, और इसको जो है 2 जीरो को जोड़ लेंगे हम बाद में, ठीक। ये तो हो जाएगा 13,80, जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और 6 की मल्टीप्लाई तो आप इजी करली कर लोगे, 8 6 48 का 8 का हासिल 4, 6 3 18 और 4 22 का 2 का हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, यानी कि 2,208 और 2 जीरो ये लगी हुई है, तो 22,800 रुपये आ गए आपके टोटल, ठीक है 16 की वैल्यू। दोस्तों क्वेश्चन थोड़े हैं लेंथी हैं, अगर एक बार समझ नहीं आते हैं तो दोबारा देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, ये समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा है ना, बोर भी हो रहे होंगे कुछ तो है ना, चलो कोई नहीं बोर नहीं होना है, टिपिकल क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये जो 16 की वैल्यू आई है ये दोस्तों टोटल 46% की वैल्यू ही नहीं है बताओ, ये टोटल 46% ही तो है ये जो 16 निकाला है हमने, ठीक है। तो जो 46% की वैल्यू है ये कितनी आई है 22,800, यानी कि 2,20,800, और उसने पूछा है कि किराए पर कितना खर्च करती है, भाई किराए पर 24% खर्च करती है।
अगर 1% की वैल्यू निकाल लो तो यहां से आ जाएगी बटे 40, और 24 की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा, गुणा 24 कर दीजिएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन जो ये किराया आएगा ना, ये मंथली किराया आएगा, ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? जो भी आंसर आएगा उसको देख लेना, फिर अगर अगर वर्ष में कुछ आए तो 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, SBI असिस्टेंट में आया है, एसोसिएट क्लर्क में। सुशांत अपने मासिक वेतन का 18% इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर खर्च करता है तथा 32% घर की मरम्मत पर खर्च करता है, बाकी बचे धन का 42% वह सावधि जमा में निवेश करता है। यदि उसके पास 12,325 रुपए बचते हो तो उसकी वार्षिक आय बताइए। भाई इसने क्वेश्चन में फिर से जो है मासिक वेतन दे रखा है और पूछ रखा है इसने वार्षिक आय। अगर वार्षिक पूछेगा लास्ट में तो क्या करेंगे, एक महीने की जो उसकी सैलरी आएगी उसमें 12 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इतना तो समझदार हो गए होंगे आप। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुशांत है कोई, उसने अपने मासिक वेतन का 18%, मासिक वेतन भाई हमें नहीं पता है उसका कितना है, तो हम तो 100 मानेंगे, ठीक है, तो उसने जो है अपने मासिक वेतन का 18% इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर उसने अपना 18% जो है खर्च किया है, 32% जो है वो अपने घर की मरम्मत पर खर्च करता है, घर की मरम्मत पर खर्च करता है, बाकी बचे धन का वो 42% सावधि जमा में निवेश करता है। भाई बाकी बचा उसके पास धन कितना बचा, जब 100 में से 18% यहां दे दिया इलेक्ट्रिक बिजली के बिल पर, 32% दे दिया, ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, टोटल हो गया 50%, 18 और 32 होते हैं 50, तो बाकी बचा कितना 50%, वो क्या कहता है इस 50% का उसने क्या किया है, बाकी बचे धन का 42%, इसका भी 42% क्या किया उसने, सावधि जमा में निवेश करता है। यदि उसके पास अब 12,325 रुपए बचते हैं, भाई अब जो उसके पास बचे ना 50 में से 42% तो यहां दे दिया, बाकी बचा कितना परसेंट, 58% बचा कि नहीं बचा, भाई 100 में से 42% तो इसमें दे दिया, तो बाकी कितना बचा, 58% बचा कि नहीं, ठीक है, शेष बचता है, ठीक, तो उसने कहा है जो ये बचा है ना उसके पास, ये जो है उसकी वैल्यू उसने दी है 12,325 रुपए, 12,325 रुपए, ठीक भाई, 50 का 58% कितना होता है निकाल लिए, 50 का 58% 50 × 100, 2 × 4, 2 × 18, यानी कि ये 29 की वैल्यू दे दी है इसने, 12,325, 12,325, ठीक है। इसने पूछा है उसकी वार्षिक आय कितनी है, भाई उसकी एक की वैल्यू निकालोगे दोस्तों यहां से, एक की वैल्यू 12,325 बटे 29, ठीक, अब 100 की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि उसकी जो मासिक आय थी ना ये मंथली थी, तो जो निकल के आएगा ना ये आएगी मंथली इनकम आएगी, और उसने क्या पूछा है उसकी वार्षिक पूछी है, तो बस 12 से गुना कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अपने मासिक वेतन में से रिद्धि 34% विभिन्न व्ययों पर, व्ययों पर यानी कि जो अलग अलग व्यय है उसके, ठीक है,
अलग अलग जगह पर क्या करती है, खर्च करती है, यानी कि एक्सपेंडिचर करती है अपने अलग अलग जगह अलग अलग सामान पर, ठीक है। और बाकी बचे वेतन में से वह 1/6 अपने भाई को, 2/3 जो है अपनी बहन को देती है, तथा बाकी बचे वेतन को वह बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अपने मासिक वेतन में से रिद्धि 34% विभिन्न व्ययों पर खर्च करती है, तथा बाकी बचे वेतन में से वह 1/6 अपने भाई को, 2/3 जो है अपनी बहन को देती है, तथा बाकी बचे वेतन को वह बचत के रूप में रखती है यदि उसके द्वारा अपनी बहन को दिए गए धन तथा भाई को दिए गए धन में 10,560 का अंतर हो, तो रिद्धि की बचत कितनी है। ना अच्छा क्वेश्चन SBI PO में आया हुआ है दोस्तों, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर का। और दोस्तों काफी गर्मी हो रखी है, लगता है बारिश आएगी। देखिए दोस्तों क्या कहा इसने, इसने कहा है अपने मासिक वेतन में से रिद्धि 34% क्या करती है, विभिन्न व्ययों पर खर्च करती है, ठीक है। मालिक जी सो है, उसका मासिक वेतन 34% जो है कर देती है इसमें से खर्च, ये लीजिएगा 34% करती है एक्सपेंडिचर विभिन्न जगहों पर, बाकी बचे वेतन में से मैं है 1/6। भाई बाकी बचा कितना वेतन बच गया उसका, अगर उसने 34% एक जगह कर दिया तो 100 में से कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 3 गए 6, यानी कि 66% जो है उसके पास वेतन बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उसके पास जो 100 रुपए जो उसके पास वेतन है उसका जो है 34% क्या करती है, वो अपने विभिन्न जगहों पर खर्च करती है, बाकी बचे धन से वह 1/6 अपने भाई को दे देती है, और जो 2/3 है वो अपने सिस्टर को दे देती है। 66 का 1/6 कितना होता है, 11, बताइए इतनी बात की ले रहने। और 66 का 2/3 होता है 44%, यानी कि 66 गुना, भाई ऐसे कर लीजिएगा, 66 का 2/3, 3 × 6 और 22 × 44, तो ऐसे ही 66 गुना 1/6 करेंगे तो 11% आ जाएगा। और इसने कहा है अब जो उसके पास बचा है, ठीक है, अब जो उसके पास बचा है ना, कितना बचा है भाई, 66 में से 11% यहाँ आ गया, 44% आ गया यहाँ पर, तो टोटल हो गया 55%, और 66 का 55 आ गया यहाँ पे, तो बचा कितना रह गया उसके पास में, भाई 66 में से 55 घटा देंगे तो आ जाएगा 11%, ये उसकी क्या है, बचत है, केवल इतना बचाती है वो, इतनी बात बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इसने कहा है कि जो भाई उसका भाई और उसकी बहन को दिया गया जो धन है उसका अंतर है, भाई को इतना दिया गया और बहन को इतना दिया गया, जो इन दोनों के जो धन का अंतर है ना, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, उसकी जो वैल्यू है ना वो इसने दी है 10,560 रुपये, ठीक है। तो इसने पूछा है कि उसकी बचत कितनी है, भाई बचत है उसकी 11%, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,560/33, और 11% की वैल्यू करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 33, और इससे इसको काट देंगे, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 6 यानी कि 3520 रुपये उसकी क्या आ जाएगी, रिद्धि की बचत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वे में ग्राहकों का किसी उत्पाद के लिए संतुष्टि स्तर, यानी कि संतुष्टि बोलते हैं एग्री करना, यानी कि कुछ जैसे बिल होता है ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है, तो कुछ जो सांसद होते हैं वे तो संतुष्ट होते हैं उस बिल से, और कुछ क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो यही बात की गई है,
उनका जो है विश्लेषण किया गया है संतुष्टि स्तर, तो सर्वे में पाया गया कि जो 32% ग्राहक हैं उत्पाद से संतुष्ट थे, जबकि 26% ग्राहक उत्पाद से असंतुष्ट थे। उत्पाद यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, और बाकी बचे 189 यानी कि 189 ग्राहक उत्पाद से न तो संतुष्ट थे और न ही असंतुष्ट। तो ग्राहकों की कुल कितनी संख्या है जो कि उत्पाद से या तो संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है? देखो सो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसने कहा है कि जो कुछ ग्राहक संतुष्ट हैं, कुछ ग्राहक संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं और कुछ भी नहीं है। जो 32% ग्राहक हैं वे प्रोडक्ट से क्या है, संतुष्ट हैं, यानी कि एग्री हैं, उसके फेवर में हैं। और जो 26% ग्राहक हैं वे जो है असंतुष्ट हैं, यानी कि डिसएग्री हैं, यानी कि अगेंस्ट हैं। और इसने कहा है जो 189 ग्राहक हैं वे ग्राहक क्या है, न तो संतुष्ट है और ना ही, यानी कि ये वाले, ये कितने हो गए भाई? इसकी वैल्यू दी है इसने 189, जो बाकी बचे ग्राहक हैं। बाकी बचे ग्राहक कितने? 26 और 32 कितना होता है, यानी कि ये हो जाएगा 58% है ये टोटल मिला के। 6 और 2 8 3 और 2 5 और 58% तो कुछ संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, है ना? तो बाकी बचे कितने भाई, 100 में से 58% गए, बाकी बचे कितने परसेंट बचे, 42%। वे क्या है, वे न तो संतुष्ट है और न ही असंतुष्ट है, यानी कि जो 42% जो ग्राहक है अपने पास, जो आदमी है, वे उस प्रोडक्ट से न तो संतुष्ट है और न असंतुष्ट है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो 58% आए हैं ना, इनमें से या तो संतुष्ट वाले हैं या असंतुष्ट वाले, तो इसने उसी की वैल्यू पूछी है। तो इसने कहा है भाई कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो उस प्रोडक्ट से या तो संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट है। भाई देखो 42% की वैल्यू पता चल गई आपको 189, तो 1% की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, 189/42। और हमें या तो संतुष्ट या फिर असंतुष्ट, टोटल तो 58% है जो संतुष्ट या फिर असंतुष्ट है, तो 58% की वैल्यू निकाल दीजिए 189/42 और गुना 58, काट दीजिएगा इसको, बताओ किससे काटोगे, 14 3 42, 14 1 14, 14 से नहीं कटेगा, है ना, 14 से नहीं कटेगा, 189/58, 189/42 × 58, 2 से काट लो इसे पहले, 2 2 4 2 1 2, 2 2 4 2 9 18, ठीक है, 3 से काट लीजिएगा, 3 7 21, 3 6 18, 3 3 9, 7 9 63 और 29 की कर लीजिएगा 9 में गुणा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, अब तो कर ही लोगे आप। यह करके बताऊं 9 81 का हासिल 8 9 2 18 और 8 होते हैं 26, यानी कि 261 आ गया आंसर, ठीक है। दोस्तों आज का जो है आखिरी सवाल लेते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी, 1990 से लेके 2000 तक का उस देश की आबादी 20% बढ़ी, 2000 से लेके 2010 तक का उस देश की आबादी 20% बढ़ी, तो 1980 से लेके 2000 तक का उस देश की आबादी कुल कितनी बढ़ी? SSC CGL मेंस में आया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। 1980 से हुई है 1990 की बात, देखो ध्यान से, 1980 है ना, हाँ 1980 से लेके 1990 तक की बात हुई, इसने कहा है भाई 20% बढ़ गई जनसंख्या, ठीक है। अब इसने फिर क्या दिया दोबारा से, 1990 से लेके 2000 तक का, फिर इसने कह दिया कि 20% बढ़ गई, ठीक, और 2000 से लेके 2010 तक का इसने फिर कह दिया भाई 2010 तक का,
कह दिया भाई 20% जो है फिर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो उसने कहा है कि 1980 से लेके 2010 तक का के टोटल कितनी जनसंख्या बढ़ी है, प्रतिशत में बढ़ी है बताइए, बताओ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतनी लंबी चौड़ी वो नहीं है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं इसको। भाई मान लीजिए 1980 में जो है 100 थी जनसंख्या, भाई फिर इसने कहा 20 बढ़ गई यानी कि 120 हो गई, फिर कहा इसने 20 बढ़ गई तो कितना 140 हो जाएगा है, और फिर 20 बढ़ गई तो 160 हो जाएगा। आगे भाई आंसर कितना 60%, बताओ इतनी बात की जा रही है आंसर में, ये टिक करके आओगे आप, है ना, ये गलती है। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे बढ़ेगी, 60% सबसे पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे 100 था इस वजह से हमने 20 बढ़ा दिया इसको। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये है 120, तो 120 का जब 20% निकाल लेंगे ना, ये तो डायरेक्ट देखो 120 का 100 पे जोड़ के 120% डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक, हमने आपको पहले भी बताया था, या फिर 120 का 20% निकाल के और 20% निकाल के 120 में जोड़ दीजिए, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि ये तो 120 में 24 जोड़ दीजिए। अगर डायरेक्ट 100 पे लेके चलोगे आप, 120% निकालोगे डायरेक्ट, तो 12 दूनी 12 12 कितना हो जाएगा 144, ये डायरेक्ट 144 हो जाएगा। ठीक है, और जब 120 में आप 24 जोड़ोगे कितना आएगा, इसमें क्या करते हैं, अगर खाली 120 का 20% निकालते हैं वो आता है 24, तो इसमें 24 जोड़ना पड़ता है जो पहले वाला था 120। लेकिन अगर डायरेक्ट 120% निकालोगे आप, जैसे उसने कहा ना 30% निकालो, अगर डायरेक्ट 130% निकाल दोगे तो आपको 30% निकाल के फिर 100 में जोड़ना नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक, अब मर्जी आपकी है कैसे कर लीजिएगा, यानी कि ये आ गया कितना 144 2000 में, इसने कहा है 20% फिर इंक्रीमेंट हो गया 144 का, ये तो डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, ये फिर 144 का 20% निकाल कर 144 में जोड़ दीजिए, अब मर्जी आपकी है। 144 का 20% कितना होता है, 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 यानी कि, और बटे ये यानी कि 28.8, तो 28.8 जोड़ दीजिएगा इसमें 144 में, कितना हो जाएगा 28.8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 4 12 का 2 का हसीन 1 4 3 7 और 1 का 1 यानी कि 172.8, कितना आ गया 172.8 2016 में हो गई। अब बताओ 100 से कितना बढ़ा है, अब तो बता दोगे आप 72.8% आंसर, बताओ इतनी बात की जा रही है। इससे दोस्तों हार्ड लेवल के क्वेश्चन परसेंटेज में बिल्कुल नहीं बनते, आपको आज एकदम टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन कराए हैं जितने भी करवाए हैं, और इससे ज्यादा हार्ड पूछे भी नहीं जाते, और वन डे एग्जाम में बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा के लगाइएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर ना लगे तो फिर गारंटी है मेरी। ठीक है, अगर कोई फिर भी डाउट आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक से और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.